तो हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। तो भाई आज जो है फाइनली मेरा एक ब्लॉग आ चुका है जो कि विंटर का वेकेशन ब्लॉग। तो आज हम लोग मूव कर रहे हैं कराची टू सवात। कराची से सवात जा रहे हैं डायरेक्ट और अपनी इस प्रोटॉन X70 में, जिसमें हम लोग पहला एक बड़ी लॉन्ग ट्रिप मार रहे हैं। तो यस, कराची टू सवात का ब्लॉग है, फुल एंड तक दिखेगा, फुल गाइडेंस वाला है मतलब कि। और यस, ब्लॉग को शुरू कर लेते हैं। प्रोटॉन X70 में जा रहा है, फ्यूल करवा लिया है बिल्कुल फिल, और चलते हैं देखते हैं क्या सेटअप है। यस, लेट्स मूव टू सवात। तो गाइस अभी हम लोग जो है सबसे पहले पहुंच चुके हैं यहाँ पे अपने कराची के टोल प्लाज़ा पे। तो ये हमारा पहला गेट आया है इस पूरी जर्नी में, और अभी हम लोग कराची से बाहर निकल रहे हैं। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं प्रोटॉन, अभी हमारी रात का टाइम है, 4 बज रहे हैं। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग रात के 4 बजे निकल रहे हैं, और यहाँ पर हमारा ये गाड़ी मतलब स्मूथ चल पा रही है क्योंकि ना रात को इतने लोग होते नहीं हैं, तो उस हिसाब से जो है ना गाड़ी सही चल रही है। और हमारे पास जो है एम टैग लगा हुआ है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम लोग जो है चले जाएंगे। और सबसे पहले मैंने सोचा मोबाइल से दिखा देते हैं क्योंकि इससे ताकि समझ आ जाए पूरी, ये मतलब जिन लोगों ने प्रोटॉन को नहीं देखा है हमारी, वो देख पाएँ। और जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा कि हम लोगों ने यहाँ पे नहीं किया और डायरेक्ट यहाँ से निकल गए। अब यहाँ से आगे आएगा बैरिया टाउन, और वहाँ पे देखते हैं जल्दी पहुँच जाएंगे बिकॉज़ जो अभी रात का टाइम है। यहाँ पे अभी हम लोग ने जो है गेट को क्रॉस कर लिया है। तो अभी जो है हम लोगों ने जैसा कि यहाँ पे हमारे पास एम टेक था, तो हम लोगों ने यहाँ पे स्लिप मिली नहीं क्योंकि वो एम टेक से ही हो जाता है। और अब हैदराबाद की जो टोल प्लाजा है वहाँ पे हो जाएंगे, वो भी इसलिए क्योंकि एम टेक लगा हुआ है। और अभी बैरिया टाउन आएगा और 4 बजे में बस। तो यहाँ पे गाइस हमारा जो है बैरिया टाउन आ चुका है। लाइट्स हैं ये तो बड़ी अच्छी है, तो मतलब गोल्डन लाइट्स हैं तो रात में बड़ी अच्छी लग रही है। सो यस, अभी बैरिया टाउन एंड इसके बाद फिर नूरियाबाद वगैरह आएगा बीच में, लेकिन उसकी अगर वीडियो में डाल लूँगा तो डाल देंगे, वरना फिर आगे बैरिया अब मतलब बड़ा जो गेट आने वाला वो तो हैदराबाद का ही है। सो ये बहुत बेसिक सी बात है, और अभी देखते हैं आगे। उससे आगे जो ना छोटे छोटे शहर जो आते हैं वो भी बड़ा समझना पड़ता है क्योंकि उनके नाम है ना कहीं कहीं लिखे हुए होते हैं, कहीं कहीं नहीं। सो फिलहाल अभी सही जा रही है कार, और क्योंकि रात के टाइम इतना कोई लोग है भी नहीं, और ज़्यादातर मेजोरिटी जो है ना सुबह निकलते हैं अगर टूर वगैरह पर जाना होता है, बट हम लोग तो रात को जा रहे हैं। वैसे हम लोग कभी भी निकल जाते हैं। सो यस, तो गैस अब हमारा आ चुका है नूरियाबाद, और यहाँ पे 4:44 AM हो रहे हैं अभी, मतलब के 4:45 समझ लें, और बस सुबह भी होने वाली है, बट विंटर्स में थोड़ी देर से होती है। सो यस, 1.5 घंटे में हो जाएगी सुबह भी, और 4:44 हो रहे हैं, और यहाँ पे टेम्परेचर 18 हो रहा है, और हम लोग जो पेट्रोल पंप से जहाँ से हम लोगों ने पेट्रोल फिल करवाया था वहाँ पे 23 था, तो यहाँ पे अब 18 हो गया, तो इससे आप लोग लगा लें अंदाज़ा। और फॉग हो रही है, यहाँ पर भी हो रही है, बट अभी सुबह हो जाएगी तो आई थिंक ख़त्म हो जाएगी। एंड यस, ये नूरियाबाद आया है। तो गाइस हमारा हैदराबाद टोल प्लाज़ा फाइनली आ चुका है, और ये 5:06 पे आया है, और पूरा 1 घंटा कराची से हैदराबाद के टोल प्लाज़ा में लगा है गेट टू गेट। और यहाँ पे 17 टेम्परेचर हो रहा है, और मतलब जल्दी इसलिए पहुँच गए क्योंकि इतना कोई हाईवे पे ट्रैफिक नहीं था, मतलब गाड़ियाँ ही नहीं थी, सो इसलिए जल्दी पहुँच गए हैदराबाद। हम लोगों ने सही से मूव कर लिया है। Thank you.
तो अब जो है हैदराबाद से आगे आके आप लोगों को जो है जाम शुरू का कट लेना है, क्योंकि हम लोग वैसे तो सीधा जाते थे बट इस बार जो हम लोगों ने जाम शुरू का कट लिया और जो है जाम शुरू से जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से सीधा भी आगे आएगा आमरी और फिर वो जो है सीधा हम लोग निकलेंगे काजी अहमद बाईपास से। तो इससे क्या होगा, हम लोग थोड़ा जल्दी मोटरवे की तरफ मूव हो जाएंगे और जो है हमारा हाला और सईदाबाद स्किप हो जाएगा। तो गैस यहाँ पे जो है अभी आमरी आ चुका है, जो कि मैंने आप लोगों को अभी बताया था। तो यहाँ पे 6:15 का टाइम हो रहा है, 6:15 हो रहे हैं और ये आमरी है। इससे 20 किलोमीटर आगे, 20 किलोमीटर आगे आएगा काजी अहमद बाईपास, तो वहाँ से जो है हमारा फाइनल N5 वापस आएगा, मतलब जो हम लोगों ने हैदराबाद वाला छोड़ा था वो वापस आएगा। तो ये बेसिकली एक शॉर्टकट है, इससे ज़्यादा जल्दी हम पहुँच सकते हैं। फिर अभी हम लोग काजी अहमद बाईपास से जो है ना N5 को वापस कनेक्ट करेंगे। तो गाइस यहाँ पे जो है हमारा मोरो आ चुका है और अब जो है फाइनली थोड़े सुबह हो चुकी है, 7:03 हो रहे हैं, 7:03 हो रहे हैं मतलब के, और अभी तक टेम्परेचर 14 ही है, मतलब 14 चल रहा है। यस, सही टेम्परेचर है बट अभी तक मैं गाड़ी से बाहर निकल के तो नहीं देखा है, लग तो रहा है शीशे जो जब ग्लासेस को टच कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडा है वेदर। अब हम लोग जो है रानीपुर पहुंच चुके हैं और ये हमारा पूरा 8:08 पे है और टेम्परेचर 17 हो रहा है, क्योंकि अब सुबह का टाइम हो गया तो टेम्परेचर वापस जो है गिर रहा है और मतलब कि टेम्परेचर अभी सही हो गया इतना, लेकिन ठंड है बहुत बाहर। और रानीपुर आ गया, ये अब इसके आगे सक्खर है, मतलब खैरपुर है, फिर बस सक्खर भी आधे घंटे का ही रह गया, आधे पौने घंटे का, फिर वहाँ से तो रोड़ी से शुरू हो जाता है मोटरवे। तो यस, तो अब जो है हमारा सक्खर आ चुका है और यहाँ पे आप लोग देखें लेफ्ट हैंड पे जो है ना सक्खर जा रहा है, बट हमें सीधा हाईवे को कंटिन्यू करना है। और सक्खर आ चुका है, 8:45 पे आया है, 16 हो रहा है डिग्री और जो है टेम्परेचर मतलब सही है, इतनी ठंड तो है वैसे बहुत। और यहाँ पे इसके बाद सक्खर के बाद हमारा आएगा रोड़ी, जहाँ पर हम लोग जो है ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर उसके बाद डायरेक्ट मतलब रोड़ी पे ही है मोटरवे का इंटरचेंज जहाँ से हमारा मोटरवे शुरू होगा। सो यस, वहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे फिर मोटरवे पे मूव करेंगे। अभी जो है हम लोगों ने थोड़ा यहाँ पे स्टे किया, मतलब कि ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा टाइम हो गया था, 8:00 हैं और जो है अभी हम लोग एक रेस्टोरेंट में आए, बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है और MW दरबार नाम है, मेरे पीछे रेस्टोरेंट है। सो यहाँ का जो वॉशरूम्स हैं वो भी बड़े अच्छे हैं, अगर आप लोग फैमिली के साथ आ रहे हैं तो फिर अच्छा। देखें ये जो मेरे पीछे जो रोड जा रहा है ना, ये सीधा हमें मोटरवे से कनेक्ट कर रहा है। सो यहाँ पे बहुत अच्छा रेस्टोरेंट बना हुआ है ये पेट्रोल पंप के साथ, PSO के। सो यस, ये वाला जो है रेस्टोरेंट है MW दरबार नाम है एंड गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है।
और अंदर चल के ब्रेकफास्ट करते हैं। बहुत भूख तो लग नहीं रही है बट खाना पड़ेगा। और मैं सिर्फ मज़े की बात, मैं सिर्फ 20 मिनट आधा घंटा मुश्किल से सोया हूँ। तो यस, गाड़ी में क्या सीन बनता है देखते हैं। व्लॉगिंग ज़्यादा ज़रूरी है, सोना बाद में भाई। सो यस, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लाइक तो कर दो भाई, सब्सक्राइब। ओके सो बढ़ते हैं आगे, मोटरवे शुरू हो रहा है, चलिए। तो अभी जो है हम लोग का फाइनली मोटरवे स्टार्ट हो चुका है, मोटरवे M5। और यहाँ पे 10:30 पूरे 10:30 पे जो हम लोग मोटरवे पे एंटर हुए हैं। और 17 डिग्री हो रहा है टेम्परेचर, और अब तो बिल्कुल मतलब जल्दी पहुँच सकते हैं। सो यस, क्योंकि मोटरवे बिल्कुल स्मूथ है। सो यस, अभी जो है आगे जर्नी को स्टार्ट करते हैं मोटरवे से। तो गाइस, अभी जो है हमारा पनु आके ला चुका है, और यहाँ पे 10:45 AM हो रहे हैं, मतलब 10:45 का टाइम हो रहा है। और सूरज तो अभी तक मतलब है लेकिन नज़र नहीं आ रहा। सो यस, 10:45 का टाइम हो रहा है, 17 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, और मोटरवे पे ही हैं अभी। मतलब मोटरवे जब शुरू हुआ उसके 15 मिनट बाद ही है पनु आके ला गया, जो कि पहला इंटरचेंज है। अभी क्या हुआ अनफॉर्चुनेटली कि हम लोग जो है मेरे फादर अकेले ड्राइव करते हैं। हम लोग को पता होगा ये प्रोटॉन X70 एक ही ड्राइवर है, बाबा हैं हमारे। तो जो है अब उनको नींद तो भाई हर बंदे को आती है, रात को पूरी रात नहीं सोए। तो अब क्या हुआ कि आंखें बंद हो रही थी, फिर हम लोग यहाँ पे जो है ना यहाँ पे गुजर रहे थे, तो इधर हम लोगों को दिखा एक जो है ना रेस्ट एरिया। अब इधर आप लोगों को याद होगा, पता होगा कि पेट्रोल वगैरह भरवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मिला एक रेस्ट एरिया, बट यहाँ पे जब हम लोग पीछे की तरफ आए तो हमें दिखा एक बहुत ही अच्छा मोटल। अब हम लोगों ने सोचा यार क्या है फालतू ऐसा ही बना हुआ, बट यार डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। जब मैं इसके अंदर गया, रूम ले लिया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अभी गाड़ी खड़ी की हुई है, और ये वाली जो है ना ये हमारे रूम की विंडो है। हम लोगों ने डबल रूम लिया है, दोनों रूम हमारे, और चलिए अंदर चलते हैं। इसके अंदर टीवी रूम है, किचन है, एंड इसके अंदर जो है हमारा पर्सनल रूम भी है। तो यस, मैं आपको विजिट कराता हूँ अंदर। तो यार ये है हमारा मोटेल का रूम, और सबसे पहले एंटर होते ही वॉशरूम बहुत ही अच्छा मिला है,
एंड गीज़र भी है, सही है, मतलब गर्म पानी का हो जाएगा वाला, और मतलब कि गर्म पानी भी हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने जो है डबल रूम वाला लिया है, ये समझ लें कबर टाइप अलमारी जो बोलते हैं। सो यस, ये है हमारा बेड जो कि मास्टर बेड है। यहाँ पे विंडो है जिससे हमारी कार भी नज़र आ सकती है। ओके, वो रही हमारी कार गाइस, वो देखें, ये रही हमारी कार एंड ये रहा हमारा दूसरा रूम। सो यस, इधर जो है सिंगल बेड लगे हुए, मैट्रेस लगे हुए, सो ऑल ओवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा रूम। तो गाइज, इस मोटेल में हमें एक टीवी रूम भी मिला है जिसमें औसजा और सिस्टर यहाँ पे बैठ के टीवी देख रहे हैं और मज़े का, यार बहुत अच्छा रूम है। तो औसजा ने यहाँ पे अपना मतलब मज़े से ना यूट्यूब खोल दिया है, क्योंकि ये वो वाला टीवी है, मतलब नेट वाला जो हमारे घर में। और इसके पीछे यार नेचर तो चेक करो भाई साहब, ये होती है नेचर, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कोई चीज़ हमारी लक चल गया, बहुत अच्छा मोटल मिल गया है। और ऑल ओवर ये रिसेप्शन है यहाँ का, और वो रहा हमारा रूम, और ये टीवी रूम पूरा है। ओके, आगे किचन भी है, कोई खाना खाना हुआ, बट हम लोगों ने 12 आवर्स के लिए लिया है, सो एक्सपेंसिव भी है ये, तो रात को हम लोग निकल जाएंगे।